आज की डेट में YouTube पे इतनी स्ट्रैटेजी अवेलेबल है कि आप अगर स्ट्रैटेजी सर्च कर लोगे ना तो लड़ी लग जाती है स्ट्रैटेजियों की। बट द प्रॉब्लम इज कि कौन सी स्ट्रैटेजी काम कर रही है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, इस बात का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो आज की वीडियो में यही समझेंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी की टेस्टिंग कैसे करते हैं और उसका प्रॉपर वे टेस्ट करने का क्या होता है। तो इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, एंड तक जरूर देखना, अदरवाइज आप काफी कुछ मिस कर दोगे। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय YouTube चैनल, जहां पे मैं स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से जुड़ी बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसा अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज की वीडियो में बताया जा रहा हूं कि बैक टेस्टिंग क्या होती है, और मैं अगर प्रिसाइजली बोलूं तो हम टेस्टिंग की बात करेंगे, क्योंकि टेस्टिंग में भी दो तरीके की टेस्टिंग होती है, एक बैक टेस्टिंग और एक फॉरवर्ड टेस्टिंग। दोनों के बारे में समझेंगे और दोनों की इंपॉर्टेंस समझेंगे और आप कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम बैक टेस्टिंग, की बैक टेस्टिंग क्या होता है, और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये प्रोसेस बहुत टीडियस है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो मैं एंड में आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे एक क्लिक से ये जो टीडियस प्रोसेस है आपका एक मिनट में खत्म हो जाएगा। नाउ बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको आप चार्ट पे डे बाय डे पीछे जाके एनालाइज करो कि वेदर इट वाज वर्किंग और नॉट, उसने काम किया था कि नहीं किया था, किया था तो कितनी बार काम किया था, नहीं किया था तो कितनी बार नहीं किया था। तो बैक टेस्टिंग से आप किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी निकाल सकते हो, और इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई ये आगे इस लेवल तक काम कर सकती है, या फिर आपको आइडिया लग गया कि वेदर यू शुड फोकस ऑन दिस स्ट्रेटजी और नॉट। तो सिंपली अगर कोई स्ट्रेटजी बैक टेस्टिंग में फेल हो जाती है तो ऑब्वियसली आपको उसको आगे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि बैक टेस्टिंग करे कैसे, तो मैं उसके लिए आपको अपने चार्ट पे ले आता हूं। अब यहां पे आप देख सकते हो कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, इस पर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी यहां पे डिस्कस करी है 70-21 ईएमए की, वो आपको ऊपर कहीं लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके चेक करो। 70-21 ईएमए की स्ट्रेटजी में मैंने बताया कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, और उसी स्ट्रेटजी की हम बैक टेस्टिंग आज करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी स्ट्रेटजी चुनने से पहले उस स्ट्रेटजी की प्रॉपर बैक टेस्टिंग जरूर करना। तो इस स्ट्रेटजी का बेसिक फंडा ये है कि आपको पहले मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है, ठीक है। मूविंग एवरेज आप सेलेक्ट करोगे दो, उसमें से एक को आपने करना है 7, ठीक है, एक को आपने करना है 7। उसके बाद दूसरा जो होगा आपका, मान लेते हैं इसको हम कर देते हैं 21, और इसमें स्टाइल में आके हम इसका कलर चेंज कर देंगे, दैट विल बी रेड, ठीक है, और थोड़ा मोटा कर देते हैं ताकि दिखे, ओके। तो समथिंग लाइक दैट, इस टाइप का आपका चार्ट पे स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। अभी स्ट्रेटजी ये कहती है कि अगर 7 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस ओवर करता है तो वो एक सेल सिग्नल होगा, और अगर 7 पीरियड का मूविंग एवरेज 21 पीरियड के मूविंग एवरेज को नीचे से क्रॉस ओवर करता है तो वो एक बाई का सिग्नल होगा। ये इस स्ट्रेटजी का पूरा क्रक्स है, और यही चीज हम टेस्ट करेंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल टू मेक मनी आउट ऑफ दिस स्ट्रेटजी और नॉट। तो हम शुरू करेंगे एकदम अंत से, मतलब आज का जो चार्ट है वहां से शुरू करने की कोशिश करेंगे। पहला क्या हुआ, यहां पे अगर हम देखें तो ये 7 पीरियड का जो ब्लू कलर का मूविंग एवरेज है वो 21 पीरियड को ऊपर से कट कर रहा है, और अगर आप यहां पे कहीं एंट्री ले रहे होते तो एक अच्छा खासा ट्रेड आपको मिल जाता, मतलब एक दिन इसने काम किया है, ठीक है। तो यहां पे इसने काम किया है, पीछे आते हैं क्रॉसओवर पे, यहां पे एक क्रॉसओवर हुआ जिसमें आप एंट्री नहीं कर पाते बिकॉज ये एक गैप अप ओपनिंग थी, तो यहां पे आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे क्रॉसओवर हुआ, अगर मार्केट ओपन हुआ था यहां पे, फिर क्रॉसओवर हुआ तो इस कैंडल पे अगर आप एंट्री करते तो यू मस्ट हैव गॉट अ गुड ट्रेड, ठीक है, एक अच्छा खासा ट्रेड आपको उस दिन को मिलता, मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड आपने पैसे बनाए होते। तो 2 out of 3 टाइम्स अभी तक ये वर्क कर रहा है, लेट्स मूव अहेड। यहां पे एक क्रॉसओवर हुआ था जिसमें आप देख सकते हो कि मार्केट ओपन होते ही क्रॉसओवर हुआ था, तो मोस्ट प्रोबेबली यहां पे आपको एंट्री करने का मौका मिलता ही नहीं। तो अगर एंट्री करने का मौका नहीं मिलता तो मैं इसको हटा ही देता हूं, और यहां पे भी आई थिंक हमें एंट्री करने का मौका नहीं मिला था, उसको भी हटा देता हूं। तो 2 out of 2 टाइम जहां पे एंट्री करने का मौका मिला, ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, यहां पे अगर देखें तो फिर से एक क्रॉसओवर हुआ, 7 वाले ने जो 21 वाला है उसको ऊपर से क्रॉस किया और यहाँ पे स्ट्रेटजी काम की, एंड यू मस्ट हैव गॉट अ ट्रेड, यहाँ पे भी ये काम कर रहा है। तो 3 out of 3 अभी तक चल रहा है, ओके, गोइंग गुड। नेक्स्ट हम आते हैं इस पे, यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ, मार्केट ने इसको क्रॉस किया, ये एक कैंडल बनी एंड देन स्टॉक ऊपर की तरफ गया, मतलब यहाँ पे भी आप एग्जीक्यूट अगर करते ट्रेड तो आपको प्रॉफिट मिलता, छोटा होता लेकिन प्रॉफिट जरूर मिलता। तो 4 out of 4 ये स्ट्रेटजी काम कर रही है। अगर हम इसको देखें 7
नीचे की तरफ क्रॉसओवर कर रहा है 21 को, तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिलता। अगर आप यहाँ एंट्री करते तो शायद आपको छोटा सा प्रॉफिट होता क्योंकि मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया था, बट कोई कुछ खास प्रॉफिट नहीं होता इसमें। तो मैं इसको एक तरीके से कॉस्ट टू कॉस्ट मान के चलता हूँ, ठीक है, ना ट्रेड मिला ना ट्रेड गया, ऐसा बहुत बड़ा इसमें ना तो प्रॉफिट होता ना तो लॉस होता। तो हम 4 out of 4 अभी भी रखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे भी अगर आप करते तो ट्रेड आपको नहीं मिलता बिकॉज ये गैप अप ओपनिंग थी और ऐसे केस में आपको ट्रेड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी गैप डाउन ओपनिंग थी अगले दिन, मोस्ट प्रॉब्ली आपको ट्रेड नहीं मिलता। लेकिन अगर आप स्टिल इस कैंडल में एंट्री करते या फिर इस कैंडल में एंट्री करते, कैंडल बनने के बाद ही एंट्री करोगे, तो आपको एक ठीक ठाक ट्रेड मिलता जो कि नीचे तक यहाँ पे आ रहा है, तो एक छोटा सा प्रॉफिट जरूर मिलता आपको। तो मान लेते हैं कि 5 out of 5 ये भी काम कर रहा है, मतलब अभी तक ये काम कर रहा है। ऐसे करके आपको बैक टेस्टिंग करनी है अगर आप डे ट्रेडिंग की बात करो तो एटलीस्ट एक महीने तक, पिछले 30 दिनों का डेटा तो कम से कम टेस्ट करो। मैं यहाँ पे सबको टेस्ट करके नहीं दिखाने लगे पूरा कहाँ तक गया, इनिशियली आप ऐसे टेस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं कुछ स्ट्रेटजीज की जो एक्यूरेसी होती है वो आपका इंडेक्स में ज्यादा होती है और स्टॉक्स में कम होती है, तो आपको दोनों में अलग अलग बैक टेस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको जरूर बनानी पड़ेगी। बैक टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी ट्रेडर को स्ट्रैटजी जब बनानी होती है उसका। आप कोई भी स्ट्रैटजी बनाओ, कोई भी स्ट्रैटजी देखो, कोई भी स्ट्रैटजी सीखो, उसकी बैक टेस्टिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिफोर इंप्लीमेंटिंग इन योर रियल मार्केट ट्रेड। तो इस हिसाब से आपकी कोई भी स्ट्रैटजी है उसको बैक टेस्ट कर सकते हो आप पीछे जाके, जो भी आपकी स्ट्रैटजी है लाइन बाय लाइन एक एक चीज बैक टेस्ट करो। एंड देन कम्स द सेकेंड पार्ट विच इज फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है? तो फॉरवर्ड टेस्टिंग में बेसिकली आपको ट्रेड करके देखना पड़ेगा, और अगर आप एक ठीक ठाक ट्रेडर हो, मतलब आपको इंटरमीडिएट ट्रेडर मानते हो अपने आपको, आप प्रॉफिटेबल हो, और उस टाइम पर अगर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है तो मैं कहूँगा कि आप पेपर ट्रेड पर भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो और आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करने जा रहे हो तो आप उसको लाइव प्लेटफॉर्म पर करना, 2000 रुपये से करना, 1000 रुपये से करना, लेकिन लाइव पे ही करना ताकि आपको मार्केट की रियल जो इमोशंस है वो समझ में आए। ऐसा नहीं कि आप कहीं गए वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कर लिए 1 lakh rupees से, फिर आके यहाँ पे 1 lakh पे ट्रेड करने लगे तो हिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। आप करना रियल मार्केट में, 1000 रुपये से करना, 2000 रुपये से करना, बट रियल में करना। अब आते हैं उस ट्रिक पे जिस ट्रिक से आप एक क्लिक करके सब कुछ एक बार में कर सकते हो, ओनली फॉर बैक टेस्टिंग, नॉट फॉर फॉरवर्ड टेस्टिंग। तो इस प्लेटफॉर्म का नाम है स्ट्रीक। इसमें आप बैक टेस्टिंग के लिए एक एल्गोरिदम बना सकते हो, कोई जरूरत नहीं कि आपको कोडिंग आए चाहे ना, इसमें क्लिक करके आप अपना एक ऑप्शन सेलेक्ट करके एल्गोरिदम तैयार कर सकते हो, और वो पुराने उन सारे चार्ट पे रन करेगा और आपको एक आइडिया देगा कि क्या इसमें होता था, क्या हो सकता है। बैक टेस्टिंग आराम से कर सकते हो आप। तो बनाना कैसे, जैसे मान लो इसमें आगे न्यू स्ट्रेटजी पे, ठीक है ना, इसमें मैंने लिखा 7 and 21 मूविंग एवरेज, ठीक है, मूविंग एवरेज से मूविंग सी हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। आप हमें चुनना क्या है, पहले हमें स्टॉक्स चूज करने होते हैं। ये पेड मेंबरशिप है, मैं पहले बता देता हूँ, पेड मेंबरशिप है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आप इसको ओपन करा सकते हो, बट है ये पेड मेंबरशिप, तो इस बात को ध्यान रखना। अब आते हैं इस पे, ठीक है। अगर हमें कोई स्टॉक सेलेक्ट करना है, मान लेते हैं आप, मैंने ONGC ले लिया, बजाज, सिंफ, जो जो स्टॉक्स आपको लगते हैं कि इनमें आपको ट्रेड करना है, आप सब यहाँ पे सेलेक्ट कर लो और डन कर दो, ठीक है। ये सारे स्टॉक्स आपके आ गए। टाइम फ्रेम चूज करना होता है अगला, यहाँ पे हमने टाइम फ्रेम चूज कर लिया, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, अब वो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करें। ये इस पर्पस के लिए बनाया गया कि आप यहीं से बैक टेस्ट करके वापस उसको इंप्लीमेंट भी कर सको। तो मैं मान लेता हूँ कि 100 क्वांटिटी लेंगे जब भी कोई ट्रेड आएगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट, क्वांटिटी 100। अब यहाँ पे कंडीशंस डालने हैं, ठीक है, तो बहुत से कंडीशन है यहाँ पे जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी हमको करना है क्या, मूविंग एवरेज के बेसिस पे करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूविंग एवरेज क्लोज 7 exponential क्रॉस अबव, मूविंग एवरेज क्लोज 21 exponential 0, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है कि अगर मूविंग एवरेज जो क्लोजिंग पे लगा हुआ है 7 पीरियड के मूविंग एवरेज पे, वो जब क्रॉस करेगा ऊपर की तरफ मूविंग एवरेज जो 21 के क्लोजिंग पे लगा हुआ है, तब आपका बाई हो जाएगा। दैट इज व्हाट यहाँ पे ये कह रहा है। अब मान लेते हैं एग्जिट कंडीशन, मान लेता हूं मैं कि 1% हम एग्जिट कर लेते हैं, 2% का हम टारगेट रखते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जिट कंडीशन। अब हमें क्या करना है, सेव एंड बैक टेस्ट, ठीक है। अब ये अपने आप सारा डेटा कैलकुलेट करेगा, अपने आप आपको निकाल के देगा, और आपको पता चलेगा कि क्या ये स्ट्रैटजी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और किस स्टॉक में काम कर रही है। सारा डेटा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ डेटा निकल के आएगा जहाँ पे आपको दिख रहा है बजाज ऑटो है। बजाज ऑटो में 18-15 का विनिंग ट्रेड कितने थे, 18, और लूजिंग ट्रेड कितने थे, 15। टोटल 33 सिग्नल मिला। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो PNL यहाँ पे होता 7745, ये PNL होता बजाज ऑटो में। वहीं अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें
तो इसमें विनिंग ट्रेड 12 थे, लूजिंग ट्रेड 17 थे और इस वजह से यहाँ पे पेनल लॉस में है। दैट मीन्स कि अगर आपको ये स्ट्रेटजी लगानी है तो आप बजाज ऑटो पे लगाओगे, आगे अगर फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी है तो बजाज ऑटो पे करोगे, ना कि बजाज फिनसर्व पे। देन अगेन हम अगर कोल इंडिया की बात करें तो इसमें विनिंग 17 थे, लूजिंग 11 थे, बट स्टिल ये नेगेटिव में है, छोड़ दो इसको। एनटीपीसी में भी वही हाल हो रहा है, ओएनजीसी में भी वही हाल हो रहा है, सन फार्मा में आपको 20 विनिंग ट्रेड मिलते हैं, 15 लूजिंग ट्रेड मिलते हैं और यहाँ पे आपको 3410 का प्रॉफिट होता है। अब इसमें ये देखना पड़ेगा आपको ब्रोकरेज वगैरह निकाल के कि किसमें आपको ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है, सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप बस बैठे यहाँ जो अच्छा दिखा उस पर लगा दिया, कैलकुलेशन बहुत करनी पड़ेगी। और उस पर अगर कोई वीडियो चाहिए तो लेट मी नो कमेंट बॉक्स, मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा। यहाँ पे अब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। अगर हम क्यूमुलेटिव रिजल्ट देखें तो 219 ट्रेड्स मिले थे, 101 विनिंग थे, 98 नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड्स थे, 6 विनिंग स्ट्रीक और 5.43 लूजिंग स्ट्रीक थी। अब अगर इसको मैं ब्रोकरेज के साथ डाल दूंगा तो आपको लॉस हो रहा है 25,000 का। अब इसी चीज़ को प्रॉफिटेबल करना है विथ ब्रोकरेज, तो यहाँ से आप स्टॉक भी देख सकते हो अपना। देखो ये प्रॉब्लम आपकी क्या सॉल्व कर देगा, एक स्ट्रैटजी के बेसिस पे कौन से स्टॉक में आपको ट्रेड करना है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो पहले सारे स्टॉक जो इसमें होने चाहिए वो प्रॉफिटेबल होने चाहिए इस स्ट्रैटजी पे, उसके बाद ऐसे स्टॉक्स को चुनना है जिनमें विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो या फिर विनिंग रेट ज्यादा हो और लूजिंग ट्रेड्स कम हो। तो ये तो मैं बस आपको आइडिया देने के लिए एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर बना दिया, इसमें बहुत कुछ आप ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा तब आप कर पाओगे, बट ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बैक टेस्टिंग को चुटकियों में कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा अभी तक तो प्लीज लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन दबा लो, जैसे वीडियो आएगी आपको जरूर पता चल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, फंड योर ट्रेडिंग का सीजन 2 शुरू होने वाला है। सीजन 1 काफी अच्छा जा रहा है, सीजन 1 के सेशन भी आप देख रहे हो और सीजन 2 जल्दी आने वाला है। तो उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि जितने भी वीडियोस अभी तक इस चैनल पे आ रहे हैं हर एक वीडियो को ध्यान से देखो, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्हीं में से आपको सेलेक्ट किया जाएगा। और अगर वीडियोस नहीं देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली क्या ही कर पाओगे, फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगा, फंड नहीं मिलेगा, फंड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारी गाइडेंस है वो नहीं मिलेगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको पता क्या करना है, नहीं पसंद आया तो भी आपको पता क्या करना है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।